वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल वन। आप लोगों का फिर से आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल पे हार्दिक अभिनंदन है। तो आज जो हमारा लोग का सेशन है वो परीक्षा मंथन लक्ष्य 3 2021 से है। आज हम लोग का टॉपिक होगा ग्रे सूची, अर्थव्यवस्था, अर्थ प्रभाव और क्रिप्टो करेंसी के बारे में हम लोग आज जानेंगे करंट अफेयर के इस सेशन में, जो कि परीक्षा मंथन लक्ष्य 3 2021 से है। एक कंटिन्यू सेशन आपका चल रहा है और आज का हमारा जो सेशन है, सेशन का पार्ट नंबर 16, ठीक है, पार्ट नंबर 16। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपने से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल वन। तो जो भी छात्र छात्राएं इस चैनल पे नए हैं वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर और पे क्लिक करना ना भूले, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। सबसे पहला टॉपिक है ग्रे सूची में केमन द्वीप भारत में निवेश को लगा झटका। ग्रे सूची में केमन द्वीप भारत में निवेश को लगा झटका। भारत में निवेश करने से उन्हें क्या लगा, झटका लग गया है। तो आइए उसके बारे में हम समझते हैं क्या है नहीं है, तो आगे फिर हम लोग बात करेंगे इसके। एफपीआई निवेश पर असर, एफपीआई निवेश पर असर। एफपीआई निवेश पर असर, तो एफपीआई क्या होता है उसे भी समझना पड़ेगा। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ओके, दैट मीन्स कंसिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज एंड अदर फाइनेंशियल एसेट्स हेल्ड बाय इन्वेस्टर्स इन अनदर कंट्री अलोंग विथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसे हम बोलते हैं एफडीआई, और ये है एफडीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। तो एफडीआई एंड एफडीआई का मतलब समझ गए। एफडीआई इज वन ऑफ द कॉमन वे टू इन्वेस्ट इन अ ओवरसीज इकोनॉमी, ठीक है। कर के लिहाज से मुफीद केमन द्वीप को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफटीएफ ने मार्च 2021 में ग्रे सूची में सूची वाले देशों में डाल दिया था। गौरतलब है कि एफएटीएफ अंतर सरकारी निकाय है जो क्या करती है, जो धन शोधन निरोधक मानक तय करता है। केमन के अलावा बुर्किना फासो, मोरक्को और सेनेगल को भी ग्रे सूची में डाला गया है, ओके। नेक्स्ट देखिए क्या है, इसके तहत उस इलाके को तब तक गहन निगरानी में रखा जाता है जब तक कि वे तय समय सीमा में रणनीतिक कमियां दूर नहीं कर लेते। वर्ष 2020 में मॉरिशस को इस सूची में डाला गया था, याद रखेंगे वर्ष 2020 में मॉरिशस को भी इस सूची में डाला गया था। केमन द्वीप से भारत में निवेश करने वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक को अतिरिक्त केवाईसी की दरकार होगी। इन फंडों को उन सभी निवेशकों की अद्यतन लाभकारी स्वामित्व की जानकारी देनी होगी जिनके पास फंड की 10% से ज्यादा होल्डिंग है, जबकि अभी वह सीमा 25% है, सूत्रों ने यह जानकारी दी। अब बात करेंगे ग्रे लिस्ट में शामिल होने का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव है उसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि ग्रे लिस्ट में जाने का क्या प्रभाव है और किस तरह का प्रभाव है, ये भी हम लोग जान लेते हैं। तो ग्रे सूची में जो है तो अब हम लोग जाने कि ग्रे लिस्ट में शामिल होने का क्या प्रभाव है, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो ग्रे सूची में शामिल होने से ब्रिटिश क्षेत्र से निवेश प्रवाह पर असर पड़ता है। फर्स्ट, क्योंकि फंड अपने गृह इलाका माने आपके लोकल इलाका या क्षेत्र, जैसे मसलन सिंगापुर व साइप्रस से
भारत में निवेश को रीडायरेक्ट करना चाहेंगे। यह बड़े निवेशकों जैसे मत पेंशन, एंडोमेंट और सॉवरेन वेल्थ फंड आदि के बीच नकारात्मक धारणा बना सकता है, जिसका इन्वेस्टमेंट चार्टर ऐसे इलाकों से निवेश पर पाबंदी लगा सकता है। नेक्स्ट है, केमन को अब अपनी AML या CFT नेशनल रणनीति को अपडेट करना होगा, क्षेत्रीय जोखिम का आकलन करना होगा, साथ ही साथ धन शोधन निरोधक नियम आदि में संशोधन करना होगा और उन पक्षकारों पर पर्याप्त पाबंदी लगानी होगी जो सही व पर्याप्त व अद्यतन लाभकारी स्वामित्व को सूचना नहीं देते। साल 2018 में केमन को 25 देशों की सूची में शामिल किया गया था जिन्हें उच्च जोखिम वाले इलाकों के तौर पर भारत में विदेशी कस्टोडियन के एक समूह ने वर्गीकृत किया था, जिसमें गहन जांच की दरकार होती है। इस सूची को बाद में खत्म कर दिया गया और हर कस्टोडियन को अपनी सूची बनाने को कहा गया। वर्ष 2020 में यूरोपियन यूनियन ने केमन द्वीप व 3 देशों जैसे कि पलाऊ, पनामा और सेशल्स को कर के लिहाज से मुफीद काली सूची में शामिल किया गया था। EU ने कहा था कि तीनों इलाकों ने जरूरी कर सुधार नहीं किया, इस इलाके से इलाके को भारत में FDI व FDI निवेश के लिहाज से अहम माना जाता है, ठीक है, अहम माना जाता है। वित्त वर्ष 2021 की पहली छमाही के आंकड़ों के आधार पर अभी भारत में FDI के लिहाज से तीसरा सबसे शहरी स्रोत है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मुद्रा स्फीति अर्थ प्रभाव अर्थव्यवस्था क्या है। जब मांग और आपूर्ति में असंतुलन पैदा होती है तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती है, वो आपको ही पता है। कीमतों में इस बढ़ोतरी को मुद्रा स्फीति कहते हैं। तो मुद्रा स्फीति किसे कहते हैं ये आपको पता चल गया, मतलब असंतुलन के कारण उत्पन्न जो होती है जिसके कारण से कीमतें बढ़ जाती है वस्तुओं की, और इन बढ़ोतरी को क्या बोला जाता है, मुद्रा स्फीति बोला जाता है, इन्फ्लेशन बोला जाता है। भारत अपनी मुद्रा स्फीति की गणना 2 मूल्य सूचियों के आधार पर करता है, थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ज्यादातर मुद्रा स्फीति अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होती है, जबकि 2-3% की मुद्रा स्फीति हर व्यवस्था के लिए ठीक होती है। इसका असर विभिन्न वर्गों में अलग अलग होता है, जैसे कि निश्चित आय वर्ग पर। निश्चित आय वर्ग में वे सभी लोग आते हैं जिनकी आय निश्चित होती है, जैसे श्रमिक, अध्यापक आदि। मुद्रा स्फीति के कारण वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती है, जिसका निश्चित आय वर्ग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऋणी या ऋणदाता पर क्या प्रभाव पड़ता है इसे भी जान लें। जब ऋणदाता रुपये किसी को उधार देता है तो मुद्रा स्फीति के कारण उस रुपये का मूल्य कम हो जाता है। इस प्रकार ऋणदाता को मुद्रा स्फीति से हानि और ऋणी को लाभ होता है। ये क्वेश्चन याद रखेंगे कि मुद्रा स्फीति से किसको लाभ और किसको हानि होता है, तो समझ के बात को। नेक्स्ट, निवेशकर्ताओं पर। निवेशकर्ता 2 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के निवेशकर्ता वे होते हैं जो सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं, सरकारी प्रतिभूतियों से निश्चित आय प्राप्त होती है। और दूसरे निवेशकर्ता वे होते हैं जो संयुक्त पूंजी कंपनियों के हिस्से खरीदते हैं। मुद्रा स्फीति से निवेशकर्ताओं के पहले वर्ग को नुकसान और दूसरे वर्ग को फायदा होता है। बचत पर। मुद्रा स्फीति का बचत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मुद्रा स्फीति के कारण वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय एवं वृद्धि होती है, इससे बचत की संभावना कम हो जाएगी। दूसरी ओर मुद्रा स्फीति से मुद्रा के मूल्य में कमी होगी और लोग बचत करना नहीं चाहेंगे। उत्पादकों पर कैसे, तो मुद्रा स्फीति के कारण उद्यमी वर्ग को लाभ होता है, क्योंकि उत्पादक जिन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं उनकी कीमतें बढ़ रही होती है और मजदूरी में भी वृद्धि कीमतों की तुलना में कम होती है। करों पर। मुद्रा स्फीति के कारण सरकार के सार्वजनिक व्यय में बहुत अधिक वृद्धि होती है। सरकार अपने व्यय की पूर्ति के लिए नए नए कर लगाती है और पुराने करों में वृद्धि करती है। इस प्रकार मुद्रा स्फीति के कारणों करों के भार में क्या होती है, वृद्धि होती है। थर्ड टॉपिक है हमारा भारत में क्रिप्टो करेंसी। इसमें हम लोग बिटकॉइन के बारे में जानेंगे। बिटकॉइन एक प्रमुख उदाहरण है इसके लिए। क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार क्या है, तो मनी है, डिजिटल मनी है, आभासी मनी है, उसके बारे में जानेंगे। फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया। फ्यूचर डार्क है क्योंकि कब रद्द हो जाएगी कहना कठिन है। समय के साथ साथ वैश्विक स्तर पर जिस तरह से प्रौद्योगिकी एवं तकनीक का विस्तार हो रहा है, वहीं इससे में फायदे के साथ साथ कई दुष्परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं।
तकनीक के विकास में सब इतनी तीव्र गति से हो रहा है कि समस्त लेन देन की प्रक्रिया डिजिटल में तब्दील हो गई है। आज भारत में डिजिटल तकनीक के बदले दौर में बदलते दौर में कारोबार से लेकर बैंकिंग प्रणाली तक कई सरकारी विभाग डिजिटल सुविधा के माध्यम से सुगमतापूर्वक लोगों के बीच अपनी पैठ बनाने में कामयाब हुए हैं। ऐसे में एक नए डिजिटल तकनीक भारत में देखने को मिल रही है जिसे क्रिप्टो करेंसी के नाम से जाना जाता है। क्या है भाई ये क्रिप्टो करेंसी, इसके बारे में जान लें हम। यह वास्तव में एक वर्चुअल या आभासी मुद्रा मनी है जो डिजिटल स्वरूप में होती है। इसमें इसका प्रमुख उदाहरण बिटकॉइन है जो कि एक सामान्य मुद्रा के मुकाबले में कई गुना महंगा होती है। ओके, कई गुना महंगा होती है और इसके समस्त लेन देन बिटकॉइन के ही डिजिटल स्वरूप में स्वीकार किए जाते हैं। विश्व में प्रसिद्धि पाने के बाद अब यह भारत में भी लोगों के बीच अपनी पैठ बना रहा है, लेकिन भारत सरकार और RBI इसे गैर कानूनी मानते हैं क्योंकि इस तरह के क्रिप्टो करेंसी से देश में अवैध गतिविधियां हो सकती है। अवैध गतिविधियों के संचालन होने के साथ साथ आपराधिक घटनाएं भी बढ़ने का डर है, इसलिए भारत सरकार को इस तरह की क्रिप्टो करेंसी पॉलिसी को रद्द कर देना चाहिए। अगर ऐसा संभव होता है तो क्रिप्टो करेंसी को रद्द करने वाला भारत पहला देश तो होगा ही, साथ ही यह अपने आप में भी एक सराहनीय पहल होगी। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अब अगली क्लास में मिलेंगे 17th में। ये आपका 16th पार्ट कंप्लीट हुआ। अब आप एक साथ सभी 15 वीडियो को प्लेलिस्ट पे या चैनल पे देख सकते हैं। चलिए बाबा, टेक केयर, अच्छे से पढ़ें और प्रैक्टिस सेट को भी बनाने चले। अभी आपका बिहार स्पेशल का प्रैक्टिस सेट एवं बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट दोनों आएगा। साथ ही आपका मैं कोशिश कर रहा हूँ कि स्टेट वाला भी वीडियो आज डालूंगा, ठीक है। और जो भी हो कमेंट करके आप बताएं, कुछ मुझसे छूट रही हो तो आप कमेंट करके बताएं, मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, अच्छे से पढ़ें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें।